नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ इंडिया। इस वक्त लाइव तस्वीरों के साथ मैं हूं आपके साथ विमलेश कुमार। इस समय जो है केंद्रीय कार्यालय रसड़ा पर उपस्थित है और आज जो है नामांकन को लेकर तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर जो है पहुंचे हैं और आज भाजपा पार्टी के तमाम लोग हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आज स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे दर्शकों को। आज किस तरह से तैयारी है आप लोग का, आज जैसा कि यहाँ से रथ भी सज धज के तैयार हो गया? देखिए, पूरी तैयारी है, भगवान श्रीनाथ बाबा के आशीर्वाद लेके, सभी देवताओं के आशीर्वाद लेके आज हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी आज नामांकन करने के लिए जा रहे हैं और नामांकन से ये संदेश चला जाएगा कि धोसी की जनता एक पढ़े लिखे प्रत्याशी के तौर पे डॉक्टर अरविंद राजभर को एक देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, योगी जी के सुशासन के नाम पे, छड़ी चुनाव चिन्ह पे अपना वोट दे के आप आज भारी मतों से निर्वाचित होने का संकेत जनता देगी। एक आकलन भी लगाया जा रहा है कि जो कार्यक्रम हुआ था, जनसैलाब देखने को मिल रहा था, उस तरह से आज भी जो है उम्मीदें जताया जा रहा है कि यहाँ भी उस तरह से जनसैलाब देखने को मिलेगा। देखिए, पूरी कोई ऐसा नहीं था, लेकिन हमको लगता है कि कम से कम लाखों की भीड़ आपको नामांकन के समय दिखेगी। जब रोड शो होगा तो आपको लगेगा कि मऊ जाम हो गया और पूर्वांचल में सबसे अधिक भीड़ नामांकन के तौर पे डॉक्टर अरविंद राजभर जी के पक्ष में जाएगी। यानी कि यहाँ से एक लोगों को संदेश भी जाएगा कि आज अरविंद राजभर जी के साथ कितने लोगों का जो है वो बातें सामने आ रही है और कितने लोग साथ में आ रहे हैं और इस जो है नामांकन के ही दौरान जो है कुछ खुलासा हो जाएगा। देखिए, सर्व समाज के नेता हैं डॉक्टर अरविंद राजभर जी, जन जन के नेता हैं अरविंद राजभर जी, युवाओं के नेता हैं अरविंद राजभर जी। आज नामांकन कार्यक्रम से यह तय हो जाएगा कि युवाओं के प्रति, नौजवानों के प्रति जो भाव है डॉक्टर अरविंद राजभर जी के मन में, आज आपको उमड़ता हुआ जनसैलाब इस बात का संकेत देगा। और यह केंद्रीय कार्यालय रसड़ा से ही आरंभ होगा और यहाँ से जैसा ही लोगों के साथ एक साथ यहाँ से मिलकर जो रथ के साथ जो है लोग निकलेंगे मऊ के लिए, तो कहीं ना कहीं यहीं से वो पूरा हुजूम दिखेगा। निश्चित, भगवान श्रीनाथ बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग सीधे चलेंगे मऊ के लिए। यानी कि यहाँ से तमाम देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हुए निकलेंगे? निश्चित निश्चित, जितने भी सात रास्ते में निकलेंगे आप लोग, जहाँ जहाँ भी मंदिर ऐसे होंगे वहाँ पे आप लोग। देखिए, सुबह से प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी उन चिन्हित स्थानों पे जाकर दर्शन और आशीर्वाद लेने का काम किए हैं। अभी हम लोग श्रीनाथ बाबा के मंदिर रसड़ा मठ पे आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद सोनी धापा के मैदान में जाने का काम। अभी वक्त कितना लग सकता है अभी यहाँ से निकलने में? मुश्किल से 45 मिनट। अच्छा, 45 मिनट के बाद सभी लोग यहाँ से निकलेंगे? 45 मिनट में हम लोग नाथ बाबा का दर्शन कर लेंगे, 15 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। थोड़ा सा आप लोग भी कुछ आज खास उपलब्ध को लेकर बताना चाहेंगे? आगे आ जाइए। आज जिस कार्यक्रम को लेकर आप उपस्थित हुए हैं, अपने कैंडिडेट को लेकर आज जिस से आप लोग उपस्थित जता है, इस खास कार्यक्रम को लेकर क्या बताना चाहेंगे? आज डॉक्टर अरविंद राजभर का नामांकन है और घोसी लोकसभा, कल हम लोग प्रचार में भी थे मऊ के साइड और सभाएं हो रही हैं। 100% यहाँ किसी भी प्रत्याशी से अरविंद राजभर का कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, एक तरफा इनकी जीत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का प्रत्याशी घोसी लोकसभा से कम 2 लाख वोटों से जीतेगा। अच्छा, और बात किया जाए तो यहाँ सवर्ण जाति की अगर बात किया जाए तो वोटर में सवर्ण जाति के वोटर साथ में है? सवर्ण जाति के सब वोटर साथ में है। मोदी योगी को 400 पार का जो नारा है उसमें अरविंद राजभर की सीट 100%, 200% मान लीजिए कि यूपी की 80 की 80 सीट, इसमें घोसी लोकसभा की सीट भी 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे आज जी? आपने अभी अभी सवाल किया सवर्ण जाति, हम खुद ही सवर्ण जाति से आते हैं, जौराबाद से, अभिषेक कुमार राय उर्फ रोशन राय, नेताजी के साथ रातों दिन हम कंधे से कंधा मिला के और उनके साथ खड़े हैं। और आप ऐसे सारे सवर्ण बीजेपी के साथ और सुभाषपा के साथ लगे हैं, क्या लग रहा है कि आज सुभाषपा पार्टी को जिस तरह से यहाँ के लोग जो बातें शेयर कर रहे हैं, यहाँ घोसी को लेकर क्या बताना चाहेंगे? यहाँ घोसी नहीं, पूरी रसड़ा और पूरी पांचों विधानसभा के सारे युवा, क्योंकि युवाओं में एक बढ़िया संदेश गया है कि हम लोग प्रत्याशी एक युवा है और हम भारतीय जनता पार्टी से रणित करते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी पे PhD कर रहा है और कर चुके हैं और पूरे प्रत्याशियों में सबसे योग्य और सुयोग्य प्रत्याशी है और इनसे युवाओं में काफ़ी प्रभाव भी है और लोग इच्छुक भी हैं और बड़े पैमाने पे हर रोड पर भी आप जब यहाँ से काफिला निकलेगा तो हर चट्टी चौराहे और पूरे रसड़ा से लेकर मऊ के जनपद तक पूरी भीड़ का आलम, सारे युवा अभी हम आए गाड़ी से, हर नुक्कड़ सभा के लिए हर रोड पे बच्चे खड़े हुए हैं।
एकदम। अच्छा, योग्य प्रत्याशी को कितने वोटों से आप लोग विजय दिलाने का काम करेंगे? कम से कम 2 लाख वोट, यानी 2 लाख का एकदम 2 लाख वोट से हम लोग विजय हासिल करेंगे। और योग्य प्रत्याशी से एकदम जितना हम लोग का जीत का रिकॉर्ड रहेगा उतना प्रत्याशी हम लोग को पाया, यानी कि विपक्षी भी तैयारी कर रहा है, विपक्षी भी ये आकलन लगा रहा है कि हम लोग जीतने नहीं का कोई अता पता नहीं है। उन लोग का कोई सिस्टम ही नहीं है, हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, विपक्षी का कहीं हवा में कोई नहीं, आज भी विपक्षी तैयारी में है और अपने तैयारी कर रहा है। ठीक है, विपक्षी अपना तैयारी कर रहा है, हम लोग अपना तैयारी कर रहे हैं। पूरा युवाओं का संदेश गया है यहाँ से लेकर पूरे दिल्ली तक, माननीय मोदी जी का संदेश है कि युवा बढ़ चढ़ के हासिल ले। तो इसीलिए हम लोग का तो सौभाग्य है कि रसड़ा से और रसड़ा का प्रत्याशी हम लोग का सुहलदेव पार्टी के अरविंद राजभर जी हैं, डॉक्टर अरविंद राजभर जी, तो इसका बहुत बड़ा युवाओं में संदेश गया है। चलिए, खास जानकारी के लिए भी न्यूज इंडिया पे मैं विमलेश कुमार, नमस्कार।